कुछ कलाकार नाम से नहीं, चेहरे से पहचाने जाते हैं। जब भी हिंदी सिनेमा के पारसी कलाकारों की बात होती है तो दुर्भाग्य से उन्हें उतना तवज्जो नहीं मिलता। परंतु बदलते फिल्मी दुनिया में भी दर्शकों ने उन पारसी कलाकारों को आज भी याद रखा हुआ है। इसलिए हम आपको ऐसे तीन चेहरे से मिलवाएंगे जिन्होंने यादगार फिल्मों में कमाल का प्रदर्शन किया है। सबसे पहला नाम आता है गुलशन मजदयासिनी का। अजय देवगन और आमिर खान की कॉमेडी फिल्म इश्क में महान हास्य अभिनेता देवेन वर्मा के साथ दो सीन निभाए थे, जिससे उन्हें खूब लोकप्रियता मिली। 90 के दौर के लोगों के लिए ये पहली पारसी अभिनेत्री थी। आओ डिकरा आओ। नहीं आंटी, नहीं, नहीं, नहीं। अब तेरी बारी है। देखो आंटी, हाथ लगाना। देखो आंटी बोल रहा हूँ। आगे चलकर उन्होंने लगभग 21 फिल्मों में काम किया, जिसमें 2003 की दिल का रिश्ता, 2006 की विवाह और 2007 की धमाल जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। तेरा माँ बाप ने यही सिखाया तुझे? तेरे को तमीज नहीं है एक औरत के साथ कैसा? इनका जन्म 30 अगस्त 1955 में मुंबई में ही हुआ था और इनकी पढ़ाई लिखाई सेंट जेवियर कॉलेज और केसी कॉलेज में हुई थी। अपने जीवन के आखिरी साल उन्होंने पति जमशेद और बेटी महाफ्रीत के साथ गुजारे और 17 मई 2020 को गुलशन इस दुनिया से चल बसी। इश्क और धमाल जैसी लोकप्रिय फिल्मों में काम करने के बावजूद उनकी मौत की खबर किसी भी टीवी चैनलों ने नहीं चलाई। पारसी लोगों के लिए समर्पित पारसी टाइम्स में इनकी मौत की खबर छपी थी। इस लिस्ट में दूसरा नाम कुरुश देबू का आता है, जो आज भी अलग अलग टीवी विज्ञापनों में दिखाई देते हैं। मुन्ना भाई MBBS फिल्म के साथ इन्हें सबसे पहले पहचान मिली। अंग्रेजी बोलने और अजीब प्रकार से हाव भाव प्रकट करने की कला के कारण कुरुश देबू को लोगों ने ज्यादा याद रखा, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बाकी कलाकारों जैसे हर प्रकार के किरदार निभाने की क्षमता रखते हैं। 1998 में उन्होंने सच अ लॉन्ग जर्नी में सपोर्टिंग रोल निभाया था, जिसके लिए उन्हें जिनी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला, किंतु हिंदी सिनेमा वालों ने उनकी क्षमता को कभी देखा नहीं और उन्हें टाइप कास्ट कलाकार बना दिया। इनकी फिल्मों के नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरुश आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने वे 2000 के जमाने में थे। 12 सितंबर 1963 में इनका जन्म हुआ था। बचपन गुजरात के नवसारी में बीता, पर पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई। उन्होंने BCOM के बाद मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में डिप्लोमा किया हुआ था। उसके बाद 1989 के साल में उन्होंने पेरसी नामक एक गुजराती फिल्म में काम किया, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। फिर कुछ अंग्रेजी फिल्मों में काम करने के बाद वे हिंदी फिल्मों में टाइपकास्ट बन गए। तो उसी तरह मेरी स्कॉलरशिप मिल गई है अमेरिका जाए। फिल्म जगत में ये भी कहा जाता है कि इनके पिता होमी देबू ने फिल्म जगत में नाम बनाने की नाकामयाब कोशिश की थी, और ये भी कहा जाता है कि शाहरुख खान कुरुश देबू के जिगरी दोस्त हैं। अगले कलाकार वो हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब खोजा गया, पर राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी के साथ उनका वो लुक दोबारा दिखने को मिला जो मुन्ना भाई MBBS में दिखा था। जी हाँ, इनका नाम है खुर्शीद लॉयर। अरे खाना कैल्शियम है, हड्डी के लिए मस्त है। प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए, लाइफ में पहली बार मैं सेकंड आया हूं। अरे अब इनके नाम पर मत जाइए, ये कोई वकील नहीं है। दरअसल पारसी लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं, इंजीनियर, बाटली वाला, गांजा वाला, सोडा बॉटल ओपनर वाला। कुछ दिन पहले हमने खुद इनसे फोन पर बात की थी, इनका डिटेल्ड इंटरव्यू लेने वाले थे, पर कुछ कारणों के बाद वो इंटरव्यू नहीं हो पाया। कुरुश दुबे जैसे खुर्शीद भी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। 1999 में इन्हें इत्तफाक से अभिनय करने का मौका मिला और मुन्ना भाई MBBS के कारण उन्हें लोग स्वामी इस नाम से पुकारने लगे। जीवन के आए बदलाव के कारण उन्हें फिल्म जगत में अपना करियर संवारने का मौका मिला तो नहीं, पर अजब प्रेम की गजब कहानी और डबल धमाल फिल्म के कारण वे बीच बीच में स्क्रीन पर आते रहे। अंततः 17 साल गुजरने के बाद, अलग अलग वेब सीरीज में काम करने के बाद उन्हें अपनी खोई हुई पहचान दोबारा मिली। द वर्डिक्स्ट, द फॉरगॉटन आर्मी, भोपाल टू वेगास और द ग्रेट इंडियन मर्डर जैसी वेब सीरीज आने के बाद लोगों ने इनकी खोज की तो पता चला कि कोरोना काल में इन्होंने अपने जीवन का सबसे बुरा दौर देखा। उनके पिताजी अस्पताल में एडमिट थे और उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। सौभाग्य से राजकुमार हिरानी ने उन्हें डंकी फिल्म के साथ दोबारा लॉन्च किया और आज वे एक कामयाब कलाकार हैं।